हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड कप के 54वें मैच के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रुप वन में पहले नंबर पर इंडिया है और टू में दूसरे पर इंग्लैंड। इंडिया ने अपने अभी 3 और इंग्लैंड ने 2 मैचेस जीते हैं और इंडिया ने अपने 3 मैच खेलकर 6 पॉइंट हासिल किया है और वहीं इंग्लैंड ने 4 पॉइंट हासिल किया है और ज्यादा पॉइंट्स की वजह से इंडिया ऊपर है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम हैं TCTD Predictions, टेलीग्राम के दुनिया के सबसे बेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट टिपिंग चैनल। पिछले 6 सालों से हम अपने पंटरों को सबसे बेस्ट काम देते आ रहे हैं। लॉस कट, बुक सेट और सेशंस या मैच विनर, हम हैं सबसे आगे और सबसे सटीक। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। बाकी पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह मैच गयाना नेशनल स्टेडियम में होगा, जो कि काफी बैटिंग स्टेडियम है और यहाँ पर बैटर्स को थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है। यहाँ पहले बैटिंग करने वाली टीम 33% मैच जीतती है और वही पहले बोलिंग करने वाली टीम भी 66% मैच जीतती है। हाईएस्ट टोटल देखें तो यहाँ पर अभी तक 191 रन हाईएस्ट बने हैं और वहीं 39 रन्स यहाँ के लोएस्ट स्कोर्स हैं। बाकी दोस्तों, वेदर रिपोर्ट देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश होने की संभावना 70% है। लास्ट 5 मुकाबले देखें तो इंडिया ने अभी अपने 4 मैचेस जीते हैं और वही इंग्लैंड ने भी 4। और वही इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड स्टैट्स की बात करें तो 11 मैच इंडिया ने जीता है और 10 इंग्लैंड ने। साथ ही इम्पोर्टेंट प्लेयर की बात करें तो यह 6 खिलाड़ी इस मैच के इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, तो इन 6 खिलाड़ियों पर आप खेल सकते हैं। बाकी दोस्तों, विनर की बात करें तो हमारे हिसाब से इस मैच में इंडिया जीतते हुए नजर आ रही है। बाकी आपको टॉस और विनर की लेटेस्ट अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे कल एक नए मैच और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें।